सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज राजपुरा के बालपुरी भवन में शक्ति सेवा संस्थान पंजाब द्वारा सुबह 10 बजे से शुरू किए गए अमर शहीद श्री सत्य प्रकाश प्रभाकर जी की याद में करवाए गए शहीदी समारोह में पहुंचे राष्ट्रीय संत व राष्ट्रीय गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने जहां अमर शहीद श्री सत्य प्रकाश प्रभाकर जी की तस्वीर पर फूल माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, वहीं इसी समारोह में पहुंचे श्री राजवीर सिंह संगठन मंत्री किसान संघ राजस्थान, श्री राम कुमार व्यास नगर कौंसिल के पूर्व प्रधान श्री प्रवीण छाबड़ा, श्री रजिंदर राजा जिला भाजपा के प्रधान श्री नरेंद्र नागपाल, स्वर्गीय श्री राज खुराना जी के सपुत्र श्री तरुण खुराना, पार्षद शांति सपरा, कांग्रेसी नेता श्री जगदीश कुमार जग्गा, प्रदीप नंदा पटियाला से, श्री लखविंदर सरीन, श्री जगदीश बुद्धि राजा, रजिंदर निरंकारी, श्रीमती राज माता व इस समारोह में विशेष तौर पर पटियाला से पहुंचे श्री हरीश सिंगला सहित प्रभाकर जी के सपुत्र विजय प्रभाकर व बेटी गरिमा मेहता ने भी शहीद की तस्वीर पर फूल माला अर्पण कर ज्योति प्रज्वलित करने के बाद आए हुए लोगों को संबोधित किया। भावलपुरी भवन में रखे गए उक्त समारोह के बाद शहीद को श्रद्धांजलि देने आए सभी लोग पहुंचे राजपुरा के श्री सत्य प्रकाश प्रभाकर चौक में, जहां शक्ति सेवा संस्थान द्वारा शहीद की याद में एक स्मारक का निर्माण करवाया गया है का उद्घाटन समारोह के मौके पर मुख्य मेहमान राष्ट्रीय संत व राष्ट्रीय गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी ने अपने कर कमलों से करने के बाद उक्त समारोह में शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे गणमान्य लोगों ने न्यूज 89 से विशेष तौर पर बात की। देश राष्ट्रीय प्रेमियों को आज नमन करते हुए हमने राजपुरा महानगर में सत्य प्रकाश प्रभाकर जिन्होंने देश धर्म राष्ट्र मान्यता के लिए शहीदी दी थी उनकी श्रद्धांजलि समारोह में आज बहुत सारे राष्ट्रीय ने अपनी गर्व लगाई है। देश के शहीद राष्ट्र का गौरव राष्ट्र की संपत्ति होते हैं और समय समय पर उनको नमन करना चाहिए, उनको श्रद्धा सुमन करनी चाहिए और उनकी पुत्र भावना को नमन करते हुए उनका करने का प्रयास करना चाहिए। शक्ति सेवा संस्थान का जो अति सराहनीय प्रयास है, हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, इस नाते को निभाते हुए शक्ति सेवा संस्थान शीघ्र ही बहुत बड़ी विशाल गौशाला खोलने जा रहा है। उसके लिए मैं गौ माता और गोपाल के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि शीघ्र ही विशाल गौशाला राजपुरा में निर्माण हो, एक भी गौ माता शक्तियों में कूड़े के ढेर पर न रहे, गौ माता की सेवा रक्षा हो। धाराओं के तहत पकड़कर जेल में डाल दिया गया, उसके लिए आपकी संस्थान क्या करने जा रही है, कुछ करने जा रही है उनके लिए, वो भी तो गौ रक्षा दल चला रहे हैं। परम गौ भक्त गौ रक्षक थे, पर पिछले समय सरकार के प्रशासन के द्वारा जो अपेक्षा हुई है उससे गौ भक्त बहुत आहत हैं, क्योंकि उनके षड्यंत्र के तहत ही गो हत्यारों ने उनके ऊपर आक्षेप लगा करके जो आज जेल में है और उनकी जमानत भी नहीं हो पा रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन्होंने पंजाब में गौ रक्षा का पंजाब और देश में बहुत बड़ा कार्य किया था और सतीश जी की आज जो कार्यक्रम हुआ है अमर शहीद सत्य प्रकाश जी प्रभाकर के समर्पित, जो उनका शहीदी हुआ है उसके प्रति समर्पित यह कार्यक्रम किया गया था। और आज के दिन सभी देशभक्तों को भी जिन्होंने देश के लिए असंख्य बलिदान दिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने रिटर्न में है कि देश के अंदर सन 1857 से लेकर 1947 तक 7,32,000 से भी ज़्यादा जो उनके रिटर्न में है वो शहीद हुए हैं। आज हम सभी उनको समर्पित ये कार्यक्रम किया है और प्रभाकर जी का जो शहीदी दिवस है 16 मार्च 1990 को था, तो हम रविवार के दिन ये कार्यक्रम करते हैं। हर साल ऐसा आयोजन होता है, हम चाहते हैं जो आने वाली जनरेशन हो उसे अंदर नेशनलिटी कैसे पैदा हो उसके लिए हमारी संस्था काम करती है। और मैं कहता हूँ मौत हो जिसका करे जमाना अफसोस, वैसे तो मरने के लिए हर इंसान आता है और हम सोचते हैं
जंग हथियारों को लगती है, इरादों को नहीं। नौजवान जब देश का अपना इरादा बुलंद कर लेता है, वो एक महान शख्सियत सन। उन्हां दा पहरावा, उन्हां दी सोच बड़ी उच्ची और सुची सी। सफेद पोश आदमी सन। उन्होंने समाजिक बुराइयां कुरीतियां नूं दूर करन लई अपनी शहादत दे दित्ती। अज दे समें दे विच लोग अपनी पोजीशन बनाउण लई किसी नूं भी कतल और शहीद कर सकते ने, लेकिन उन्होंने समाज लई अपने आप नूं शहीद किया और उन्हां दी याद नूं ताज़ा करन लई अज जो ये श्रद्धांजलि समारोह हो रहा है। मैं इत्थे आ के उन्हां दे चरणां दे विच श्रद्धा सुमन भेंट किए ने और परमात्मा अगे यही अरदास करांगा कि आने वाली पीढ़ी उन्हां दा करैक्टर बुलंद रहे और समाज लई एक मसीहा बन के वह हमेशा चानन मुनेरा बन के समाज नूं चंगी कारज करन लई प्रेरित करते रहन। उन्हां दी प्रेरणा सदा सदा कायम रहेगी। शिवसेना दी जिहड़ी आत्मा है वह हमेशा ही साडे शहीदां दे नाल जुड़ी हुई है, क्योंकि शिव सैनिक जिहड़े ने वो देश हित राष्ट्र हित अपने समाज के भले लिए काम करते हैं। मैं इसलिए इतने स्पैशल आया कि सत्या प्रकाश भुलवाकर जी जो सीगे वो समाज के नाल एक जुड़े हुए व्यक्ति सीगे, वो हिंदू सिखा दे थे मसीहा सीगे, लेकिन उन्होंने अत्तवादियों ने वो गल बर्दाश्त नहीं होंगी क्योंकि वो देश के खिलाफ सोचते हैं, असी लोग जो देश के हित में सोचते हैं। इस करके 16 मार्च 1990 सत्या प्रकाश जी ने गोलियां मार के उन्होंने शहीद किया। असी उन्होंने परिवार को दिलासा देने दे और इतने राजपुरा निवासियों प्रेरित करने के लिए जागरूक करने के लिए कि जिस तरीके सत्या प्रकाश भुलवाकर जी ने कुर्बानी दे के साडे पंजाब देश और समाज की रक्षा की है, सानू सारे अपना फर्ज निभाते हुए अपने समाज और देश के लिए हमेशा काम करना चाहिए। तुसी की कहना चाहो? शिव शक्ति सेवा संस्थान वालों जिहड़ा अज शहीद सत्य प्रकाश भुलवाकर जी की श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं। पहला मैं अशोक चक्रवर्ती जी नूं शलाघायोग कदम चुकण ते मैं उन्हां दी शलाघा करदा। तो सत्य प्रकाश भुलवाकर जी, शहीद सत्य प्रकाश भुलवाकर जी साढ़े राजपुरा की शान सी, वो बोलपुरी बिरादरी की भी शान सी, जिहड़ा उन्होंने अपने राजपुरे पिछे नहीं पूरे देश पिछे शहीद होए ने। मैं अपने वालों अपनी पार्टी कांग्रेस वालों उन्होंने श्रद्धा के फुल भेट करदा। शहीद भुलवाकर जी की जी शहीदी दिवस के उत्ते जिहड़े अशोक चक्रवर्ती जी बरसे मना रहे हैं, तो अशोक चक्रवर्ती जी का बहुत वड्डा प्रयास है, बहुत तकड़ा प्रयास है जो देश वास्ते कौम वास्ते अपने पंजाब वास्ते जिन्होंने अपनी लड़ाई लड़ते हुए शहीदी दिती, असीं उन्हां नूं लख लख नमन करते हैं। प्रकाश भुलवाकर जी की अज 28वीं बरसी मनाई जा रही है, जो कि 1990 जो पंजाब दे विच काले दिन से उन्हां दिनां दे विच उन्हां नूं शहीद कर दिता गया सीगा। अज भी जिहड़े राजपुरे वाले उन्हां दे ऋणी ने, क्योंकि भुलवाकर जी एक ना केवल एक जिंदगी का आदर्श सी बल्कि गरीबा दे मसीहा सी। उन्होंने एक नगर कौंसल दे प्रधान भी रहे और एक उदाहरण पेश किया, लोग अज भी उन्होंने आदर्शों से चलने की कोशिश करते हैं। यह सानू एक बहुत वड्डा मानवता लई संदेश है। मैं उन्होंने अपने वालों अपनी पूरी टीम वालों शत-शत नमन करता। आज शहीद श्री सत्य प्रकाश भुलवाकर जी के इस शहीदी समारोह में सबसे पहले मंच से बोलते हुए समाज सेवी श्री जगदीश बुद्धि राजा जी ने वो बात बोली जो शायद यहाँ पर आए हुए पत्रकारों ने भी नोट की, कि यह समारोह शहीद की याद में रखा गया है और शहीद श्री सत्य प्रकाश भुलवाकर जी द्वारा जो राजपुरा को दिया गया है उसको हम कभी नहीं भुला सकते, मगर समारोह में शहीद को श्रद्धांजलि देने आए बहुत कम लोगों को देखकर आज मन बहुत दुखी हुआ। शायद अगर यहाँ कोई राजनीतिक कार्यक्रम या कोई गाने वाला कलाकार आया होता तो ये हाल पूरा लोगों से भरा होना था। और आज शहीद के समागम में ये देखकर कि कुर्सियाँ खाली हैं, बहुत दुख हो रहा है। इन शब्दों ने आए हुए सब लोगों को झिंझोड़ कर रख दिया। और दूसरी तरफ यहाँ के श्री सत्य प्रकाश भुलवाकर चौक में स्मारक के उद्घाटन से पहले ही कोई शरारती व्यक्ति स्मारक से पर्दा उठाकर रफू चक्कर हो गया। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग किस प्रकार आज शहीदों का सम्मान व उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, मगर इतना जरूर पता है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बुरा काम कर रहे हैं। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89।
सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।